स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शक्ल पे मत जाना, देखो यार मैं भी उठा हूँ, बस हार मुंह हाथ पैर धोए और उसके बाद बस पढ़ने बैठ गया हूँ, क्योंकि आज मेरा 11 बजे पेपर है और उसके बाद बाकी के भी काम है कॉलेज में। तो कॉलेज में आपको आज कॉलेज का एक तरह से कैंपस टूर दिखा दूंगा, प्लस दिखा दूंगा कैसे होते हैं एग्जाम्स वगैरह, एंड उसके साथ साथ हम लॉ और मेडिकल साइड भी जाएंगे कुछ काम से, तो वो भी दिखा दूंगा। तो आज मैं आपको पूरा डेली व्लॉगिंग दिखाऊंगा। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आपकी पूरी मतलब दिनचर्या कैसी होती है, रूटीन क्या होता है आपका, तो आज वो हम दिखाने वाले। सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर दिखा देते हैं। तो यार अभी 8:30 बज रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर मेरे को सीखना है, मतलब ये सीख रहा हूँ, कल रात को थोड़ा बहुत सीखा था और अभी 2 घंटे के अंदर ये पूरा सीखना है ढंग से, 3-4 क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर होने वाला हमारा पेपर। इसको कहते हैं FEL लैब, इसमें NCC वाला सॉफ्टवेयर यूज होता है, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये करना है और उसके बाद तैयार तो मैं हो ही गया हूँ, फिर कॉलेज जाना। तो चलो सीधा कॉलेज की ओर। तो भाई एग्जाम खत्म हो गया, हालत खराब हो गई, एक प्रॉब्लम हुई, एक प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हालत खराब हो गई कंप्यूटर में बैठ बैठ के कि हो जाए, घंटे भर से एक प्रॉब्लम में तो सारा हुआ नहीं। अच्छा कॉलेज दिखाता हूँ, और ये है हमारा बैग। अच्छा इसमें ना एक चीज़ होती है, जब भी आप MS Writing में NCHEM दोगे ना तो ऐसी हॉल टिकट मिलेगी, तो आपको ये हॉल टिकट रखनी पड़ेगी जिसमें आपके साइन होते रहेंगे, तो जब भी आ रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खो दिया तुम ख़त्म हो जाओगे, पेपर नहीं देने देंगे तुम्हें। तो गाइस ये है MS IT का कैंपस, काफ़ी सुंदर है, ठीक है, मेरे को अच्छा लग, छोटा है ठीक है, बट हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मौसम बैंगलोर का मौसम यार मज़ा आ जाता है, एक दिन कभी बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। LHC डिपार्टमेंट बेसिकली इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, कई बार मैं बता चुका हूँ। वो फ्रेशर्स का हॉस्टल है सामने, तो फ्रेशर्स का हॉस्टल सबसे पास रहता है कैंपस के, और बस सीढ़ियों पे आप ऐसे चिल मार सकते हो, आसपास इधर बैठ सकते हो। जब भी कोई फंक्शन होता है क्वाड्रेंगल में होता है, तो ये बीच का जो एरिया होता है खाली होता है, बट जब भी कोई फंक्शन होता है यहाँ पे इतने बड़े बड़े तंबू गाड़ दिए जाते हैं, इतना बड़ा टेंट बना दिया जाता है। ये एक और बिल्डिंग है, इसको कहते हैं मल्टीपर्पज़ ब्लॉक, बेसिकली R&D बिल्डिंग, इसके नीचे यहाँ पे कैंटीन है। पता नहीं आज ये बंद क्यों है, मुझे नहीं पता, मुझे डे देखना पड़ेगा। कैंटीन ऐसे होता है, आप कैंटीन देख सकते हो। आज हमारे साथ आ गए हिमांशु, हमारे प्रिय मित्र। चलो बेटा एग्जाम होगा ना, सिर्फ प्रोस्पेक्ट की है, जैसे एग्जाम हुए। कौन है आप? ये नहीं बोलना, लेकिन ब्लॉग में ये क्या निकल, ऐसा कर तू यहाँ से ना उधर से भागता हुआ और तू ये और इधर से भागता हुआ निकल जा इधर। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने। निखिल क्या कर रहा है आजकल? कल यार हम खेल रहे हैं फैंटेसी लीग, वो भी क्रिएटर्स की। तो flog.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्लॉग है क्या? तो बेसिकली यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये फ्लॉग एक ऐप है जो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्लॉग में आप अपने क्रिएटर्स की टीम बना सकते हो, और अगर क्रिएटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप कैश प्राइजेस जीत सकते हो। अगर आप पहली बार साइन अप करोगे तो आपको ₹250 फ्री में मिलेंगे, मतलब सीधा आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, और उसके थ्रू आप अपना गेम स्टार्ट कर सकते हो। प्लस फ्लॉग में 10,000 से ज़्यादा फैंटेसी लीग बन चुकी हैं, टीम्स बन चुकी हैं, 10,000 से ज़्यादा टीम्स हैं, 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट होते हैं, और 1,000,000 से ज़्यादा प्राइजेस भी जीत सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। इनका बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, पहले आपको वहाँ पे जाना है, साइन अप करना है, टीम बनानी है,
और उसके बाद अपनी टीम को सबमिट करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा YouTube देखते हो तो ये आप ही के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिएटर परफॉर्म करेगा वैसे आपकी टीम परफॉर्म करेगी और वैसे आप कैश प्राइजेस जीतोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा YouTube देखते हो तो एक बार व्लॉग डाउनलोड करके देखो और आगे चलो आगे चलते हैं व्लॉग में। तो गाइस जैसे कि आपने इंजीनियरिंग का कैंपस देख लिया, कुछ काम थे साइन करवा लिए प्रिंसिपल से रिपोर्ट पे, ठीक है, और उसके साथ आपको कैंपस भी दिखा दिया। आ गई स्कूल ऑफ लॉ। वैसे ये वाली लॉ बिल्डिंग MSRIT की नहीं है, MSRUS की, मतलब अप्लाइड साइंसेस। हाँ, एक तरीके से हैवी और नई भी। हाँ, तो ये रमैया कैंपस के अंदर आती है, बट ये जो रमैया का सेकंड कैंपस है ये उसकी लॉ बिल्डिंग है। जो रमैया की लॉ बिल्डिंग है वो पीछे इंजीनियरिंग की साइड है, बट इनने जो लॉ बिल्डिंग बना रखी है यार मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। बिल्डिंग अच्छी है यार। यार ये देखो, मुझे ये वेदर अच्छा लगता है, चेरी ब्लॉसम। और यहाँ पे बास्केटबॉल, क्रिकेट के लिए नेट्स लगे पड़े हैं इधर, ठीक है। खेल रहा कोई नहीं है यार, दिन में अटैक हो गया क्या? तो दिन में कौन खेलेगा, दिन में कौन खेलेगा भाई? बता यार, सूरज का कितना प्रकोप है देवता? इतनी तो धूप नहीं है जहाँ वहाँ अपने नॉर्थ में पड़ती है, यहाँ तो इतनी धूप नहीं है। ये बात तो है, वहाँ तो लू चल रही होती है। यहाँ के हिसाब से धूप है, यहाँ के हिसाब से धूप है, बट इतनी नहीं है वहाँ तो लू चल। इसी ब्लॉग में ट्रांजिशन करेगा 6 बजे इसी जगह पे, ऐसी भीड़ लगेगी पता नहीं जैसे कौन से भगवान बैठे। मैं शाम, मैं आपको यही सीन यही जगह शाम को दिखाऊंगा। अभी आप आगे चलना, 1-2 मिनट आगे देखो ना, तो ये सीन आप देखोगे शाम को भाई। भरा पड़ा है जैसे कि खानों की दुकान पे लोग बैठे पे, जैसे कि वो फ्री में दे रहा है, क्राउड क्राउड आ रहा है। तो शाम को देखना कैंपस कितना और ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। क्राउडेड नहीं, मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा, बट हाँ ग्रीनरी आप देख सकते कैंपस में। यार ये देखो, ये मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है, मतलब रमई जहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग के बीच में जो लॉ की बिल्डिंग है ना, उसके साइड में एक बहुत अच्छा गांव में गार्डन बना हुआ है, पीछे पार्किंग का एरिया है। यार पता नहीं बैठने नहीं देते हैं, लाइक जो वॉचमैन है वो बैठने नहीं देते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी तो काफ़ी है, ठीक है। ये आपका मेडिकल का गर्ल्स हॉस्टल, राजस्थान, दिस इज लाइक जंगल, राजस्थान में इतनी कहाँ ग्रीनरी है ना, वही तो बोल रहा हूँ। हिमांशु भाई वैसे मैं बता दूँ जयपुर से, ये पूरा मेडिकल है, मैं आपको शाम को भी दिखाऊंगा इसका। तो गाइस ये है मेडिकल का कैंपस नीचे, यहाँ पे खाने पीने के आइटम्स आ रहे हैं, स्टेशनरी है, सब चीज़ें हैं। और ये मेडिकल की बिल्डिंग है रामैया की। गाइस काफ़ी अच्छा एरिया, यहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो, शेक मॉकटेल्स, खाने पीने का भी आसपास में ही है, तो कैंपस के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। तो यार ये भाई मेरे तो कैंपस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मेरे पीछे भी देख सकते हो कैंपस, ठीक है। तो भाई मैं हूँ अब 4th ईयर में, अब आ गए हम 4th ईयर में। तो ये 4th ईयर में आते मैंने एक और तीसरा कैंपस टूर बना दिया, ठीक है। शाम को दिखाता हूँ कैंपस कैसा होता है, ठीक है। शाम का कभी नहीं दिखाया, नहीं रास्ते रात में मैंने शाम का इतना नहीं दिखाया ना, आज मैं शाम का दिखाता हूँ, आज मैं शाम का दिखाता हूँ, आ जाओ। आज में निकल भी निकलता है आप तो मजे करेंगे, नहीं चलो आ जाओ सीधा रात को चलते हैं। गाइस हम आ गए MSRIT की इवनिंग को, तो MSRIT कैंपस देख सकते हो इवनिंग में कैसा होता है, ठीक है। पूरा इवनिंग कैंपस आपको दिखाएंगे, इवनिंग में कैंपस कैसा होता है वो पूरा दिखाएंगे, आ जाओ। और ये वाली साइट हमने अभी तक दिखाई नहीं है, तो ये वाली साइट हम दिखाएंगे, एक्सप्लोर करने वाले वाली साइट MSRIT के अंदर। बेसिकली हम इसको मेडिकल साइट बोलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग तो तुम्हें पता दिखाई दी थी। मेडिकल में ये जो नीचे वाली लेन है, ये जो नीचे वाली लेन है खाने पीने की लेन है, तो देख सकते हो ये नीचे कैंटीन और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये टहलने की, मतलब यार मज़ा आ जाता है रात को यहाँ पे टहलते हुए शांति में। 11 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, तो यहाँ पे आप टहल सकते हो, बहुत मज़ा आता है, आगे आ जाओ। भाई जैसे मैंने बताया था, ये जो साइड में लेन है ना यहाँ पे, जैसे ये फुटपाथ है पेडेस्ट्रियन वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लोर नीचे जाके ये यहाँ नीचे दुकान, यहाँ नीचे रेस्टोरेंट्स बने हैं, तो आप नीचे भी टहल सकते हो। ये अंदर जाके हॉस्टल आ जाता है, गर्ल्स हॉस्टल आ जाता है मेडिकल का, और ये मेडिकल की वो बिल्डिंग है जहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस डॉक्टर करते हैं। पीछे इनका कॉलेज है, पीछे वहाँ पे एक और लेन है जहाँ पे कॉलेज बना हुआ है, जहाँ पे पढ़ते हैं, क्लासेस हैं, और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती है। तो गाइस ये है रमैया का दूसरा, मतलब मैं कहना चाहूँगा ये पहला, जो मैंने अभी आपको दूसरा दिखाया जहाँ प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, वो दूसरा हॉस्पिटल है। ये इनका पहला मेजर हॉस्पिटल है जो काफ़ी बड़ा है, मुझे नहीं पता इसमें कितने फ्लोर है, मैं अभी तक इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया हूँ, ठीक है। दिव्यांश गया था एक बार, एडमिट हुआ था, बट देख सकते हो कितना बड़ा है ये।
तो गाइस ये देख सकते हो। और वैसे भी जो ये बड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसका नाम है रमैया मेमोरियल हॉस्पिटल। तो कभी आप बोलोगे बैंगलोर में आ रहे हो, रमैया आ रहे हो, तो रमैया मेमोरियल हॉस्पिटल बोल दोगे तो सब जानते हैं और आपको यहाँ गेट नंबर 1 पर उतार देंगे। तो ये जो बड़ा गेट है जहाँ पे आप रमैया का स्टैचू देखते हो, रमैया सर का स्टैचू देखते हो, और इतना बड़ा जो गेट है ये जो दिखता है, बहुत सारी वीडियोज़ में दिखता होगा, बहुत सारी फोटोज़ में दिखता होगा, तो ये गेट नंबर 1 है। बहुत सारी नहीं, अब तो सर निकली वीडियो बनाता तो सर वीडियो और निकली वीडियो नहीं यार, मैंने देखे हैं अब जूनियर्स भी बनाना शुरू कर दिए। मेरे टाइम पे कोई नहीं बनाता था वीडियो, बट अब शुरू हो गया कि हाँ भाई कोई भी आ रहा है तो देख देख के बनाना शुरू कर रहे हैं, वो भी कैंपस और बना रहे हैं, तो अब तो कंटेंट आ रहा है रमैया के ऊपर। उसको कंपटीशन को देख के निकली रातों की नींद भी, मेरी नींद कुछ नहीं उठ रही वो तो उल्टा अच्छा लगता है ना यार, उल्टा अच्छा लगता है, क्रिएटर जा रहे हैं। अच्छा ये गेट नंबर 1 है और इसके आगे बेल रोड है, तो ये बेल रोड बिल्कुल ही अलग है, एक टाइप का पॉश एरिया है, दिखाता हूँ। हम आ गए हैं बेल रोड, जरा बेल रोड दिखाओ, रेस्टोरेंट बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, थोड़ा सा स्लोली दिखाओ, स्लोली अगर हम आगे आ जाओ, आगे चलो। तो ये देखो यहाँ पे एप्पल स्टोर भी है, तो जब आप आओगे तो ये आई प्लैनेट का भी स्टोर है, एप्पल स्टोर भी है, ये देखो कैंग्रोवर्स प्लान भी, ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, शिव सागर एक्सप्रेस, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, हेल्थ एंड ग्लो। तो मतलब यहाँ अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम यहाँ पे दबा के उड़ा सकते हो, खर्च करने के लिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ठीक है। और अगर कपड़े ख़रीदने हैं जो हमारे यहाँ थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं, जिसको हम सस्ता ब्रांड कह रहे थे मैक्स, तो मैक्स भी है, ठीक है। मैं एक एक दुकान नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मतलब यहाँ पे है क्या क्या। एक होता है ना ग्लिम्स की, अगर आप आओगे, ये देखो कॉर्नर हाउस, इसकी आइसक्रीम मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एक बार आना तो कॉर्नर हाउस की आइसक्रीम ट्राई करना, ठीक है। ये ट्रफल्स, तो ट्रफल्स काफ़ी फेमस है बेल रोड पे, दूर दूर से लोग आते हैं ट्रफल्स में खाने के लिए, लाइन बहुत लगती है, देखो यहाँ नीचे वेटिंग लाइन लग जाती है, सीट नहीं मिलती। और ट्रफल्स का खाना भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा है इनका। बहुत सारे ब्रांड्स, अगर आप यहाँ पे बेल रोड पे आते हो यू गेट टू सी मेनी ब्रांड्स, ट्रेंड्स भी यहीं पे है, रिलायंस का ट्रेंड्स भी यहीं पे है। और ये बहुत अच्छा फुटपाथ बना हुआ है यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आता हूँ वॉक करता हूँ, आप यहाँ पर आराम से वॉक कर सकते हो। ये है आपका स्टारबक्स, चलिए ठीक है, शहर में तो होगा नहीं स्टारबक्स, अपन दिखाएं उनको स्टारबक्स। आओ नहीं यार, आगरा में खुल गया स्टारबक्स, खुल गया स्टारबक्स, जयपुर में नहीं हुई। गाइस ये था आपका बेल रोड रमैया का पास का एरिया, गेट नंबर 1, पीछे गेट नंबर 11 का भी हमने दिखाया। तो ये था मतलब ओवरऑल मेरा रूटीन ऐसा नहीं होता, बट हाँ रमैया के आसपास ऐसे ही जाता हमारा पूरा दिन, पहले इंजीनियरिंग में, शाम को यहाँ पे टहलने आ जाते हैं अपन, ठीक है, और बस ये दुकानें देखते रहते हैं, जब पैसे थोड़े बहुत होंगे, जब प्लेसमेंट लग जाएगी तो चले आएंगे, बट अभी तो बस इनको बाहर से देख लेते हैं, तो आपको भी दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड मज़ा आता है यार, सही में मज़ा आता है यहाँ पे बाहर घूम के। तो अगर आप आ रहे हो तो जो आपने पूछा था एक सवाल कि भैया आसपास का एरिया कैसा है, तो ये है आसपास का एरिया, ओनली 1.5 मिनट टू गो, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। हाँ मुझे पता है हमारी स्टोरेज भी खत्म हो रही है, सो हम एंड करते हैं वीडियो को। कोई और वीडियो चाहिए हो, डेली ब्लॉगिंग अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे को बताओ, मैं फिर डेली बनाना शुरू करूँ, नई नई चीज़ें दिखाऊँ, नई नई जगह दिखाऊँ आपको, जो भी आपके मन में आ रहा है कि आपको क्या देखना है चैनल पे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।